बिहार में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार शाम में महामारी के 352 नए केस सामने आए हैं। वहीं सोमवार को सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में 6 फरियादी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता भी जताई है। इस बीच क्या सूबे में लॉकडाउन लगेगा या फिर प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाएगा, इस पर मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके संकेत मुख्यमंत्री ने सोमवार को जनता दरबार के बाद ही दे दिए हैं। वहीं बढ़ते कोरोना केस को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिस तरह की रिपोर्ट आई, इसको लेकर हमें अलर्ट रहना होगा। सब जगह की रिपोर्ट लेकर कल हमें कोई निर्णय लेना पड़ेगा। बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ है, वहाँ हम गए थे और इस बारे में भी बात की गई है, लेकिन वहाँ से आने के बाद जिस तरह से मामले सामने आए, यह तो बिल्कुल चौंकाने वाले मामले हैं। जिस तरह केस सामने आ रहे हैं, पाबंदी तो लगानी ही पड़ेगी। इसके बारे में अभी जो हम लोगों का निर्णय है वो 5 तारीख तक पहले से, तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में, और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आज सब जगह की समीक्षा करिए आज, और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया। इतनी पाबंदियां लगानी है, कल जो भी करना है कल निर्णय होगा। उसके बारे में ऑनलाइन क्लास के बारे में क्या विचार होगा? अब आगे तो हमने कह दिया है कि भाई आप 7 दिन के लिए अगला, क्योंकि रोज बढ़ रहा है ना, तब एक बार अगर 7 दिन के लिए करिएगा, ज़्यादा लंबा समय करिए तो अभी नहीं कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा तो बहुत जल्दी और कुछ करना पड़ेगा, इसलिए कुछ ही समय के लिए भी 1 सप्ताह या 5 दिन जो कुछ भी आपको लगे कल बैठ करके फैसला करना पड़ेगा, और फिर जो सब चीज़ पर नज़र रखते हुए और आगे जो कुछ भी करना है किया जाए। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लास की बात हो रही है सर, टेस्टिंग तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, और हमने तो बार बार कहा कि भाई प्रतिदिन 2 लाख